कारीगर नाम तुम्हारे, एक संदेशा आया है इल्म से जिसने हुनर को सींचा, बाग वही लहराया है, बाग वही लहराया है। ज्ञान का सूरज जब भी चमका, राह हजारों हुई रोशन, कुछ तुम भी पढ़ो कुछ तुम भी बढ़ो, इन राहों ने तुम्हें बुलाया है, सुनो कारीगर नाम तुम्हारे, एक संदेशा आया है इल्म से जिसने हुनर को सींचा, बाग वही लहराया है, बाग वही लहराया है। रामदीन जी, मेरा नाम महादेव प्रसाद है, मुझे अभी इस गांव में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। बैठिए, कुछ पानी वानी पियेंगे? पी लेंगे भैया। अरे भाई थोड़ा गुड़ पानी लाना। मुझे दो ब्लैक बोर्ड चाहिए। ब्लैक बोर्ड? वो जिसपे चाक से लिखते हैं ना, स्कूल के लिए। ठीक है, समझ गया मां साहब। इसमें ब्लैक बोर्डों का माप है। ठीक है मां साहब। कब तक मिल जाएंगे? मां साहब 10 एक दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, मैं 10 दिन बाद ही आ जाऊंगा। और ये 50 रुपए है एडवांस के तौर पे। वैसे मसाब आपका ये स्कूल चलेगा कहाँ पर? अरे भाई अभी तो वो बड़ी वाली इमली के नीचे खोल रहे हैं। वहाँ पे गायें भैंसों को पढ़ाइएगा क्या? उन्हें भी पढ़ा लेंगे भैया, पहले आदमी तो पढ़ लिख ले। वैसे रामदीन तुम गए हो कभी स्कूल? मसाब आपने तो हम पे ही चोट कर दी। नहीं भाई रामदीन, मेरा मतलब ये थोड़ा ही था, मैं तो ये कह रहा था। लीजिए लीजिए पानी पीजिए। आपका काम हो जाएगा मां साहब, आप आ जाइएगा ब्लैक बोर्ड लेने। ठीक है रामदीन, मैं आता हूं 10 दिन में। अरे मुन्ना जल्दी पैर बढ़ा बेटा, घर नहीं पहुंचना है क्या? तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी खाना बनाकर, गरम गरम रोटियां और आलू मटर की सब्जी। भाई वाह, मुझे तो भूख लगी है, तुम्हें नहीं लगी क्या? मैं आपसे बात नहीं करता। अरे भाई मत बोलो, लेकिन कम से कम डिब्बा तो पकड़ लो। ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, इतना बोझ उठाकर मैं तो थक गया हूं, बस सोच रहा हूं यहीं बैठकर कुछ आराम कर लेता हूं। हाँ। हाँ।
आओ भाई मुन्ना, तुम भी थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो। मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन क्या करूं, थक गया हूं इतना बोझ उठाकर। नन्हे होता तो बात दूसरी थी, छोटा होकर भी कितना ख्याल करता है मेरा वो। ये क्या किया तुमने, अभी गिर जाता तो? मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूं और तुम होके इतने बड़े हो गए हो, लेकिन हर बात में जिद करते हो। मालूम है कितनी महंगी है वो कहानियों की किताब? 10 रुपए दाम है उसके, कहां से लाऊं इतने पैसे में? देखो बेटा, अपने बप्पा की परेशानी को समझो। मैं तो खुद चाहता हूं कि तुम दोनों भाई जो भी मांगो तुम्हें मिले, लेकिन क्या करूं, आमदनी बढ़ती ही नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए कोई और धंधा भी नहीं कर सकता। बस अब बेटा तुम दोनों भाई जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ और पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी नौकरी करो, ढेर सारा पैसा कमाओ। फिर मैं तुम लोगों के साथ बाजार जाऊंगा और ढेर सारी चीजें खरीदूंगा। खरीद कर दोगे ना? अपने बप्पा पर भरोसा रखो बेटा, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। रहा सवाल तुम्हारी कहानियों वाली किताब का, बस एक बार मां साहब का ब्लैक बोर्ड बन जाए वो भी आ जाएगी। पप्पा मुझे भी एक ब्लैक बोर्ड चाहिए। वो तो मुश्किल है, उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे, पर तुम ब्लैक बोर्ड का क्या करोगे? नन्हे के साथ मास्टर मास्टर खेलूंगा। अच्छा तो ठीक है, जब तक मां साहब ब्लैक बोर्ड लेने नहीं आते तब तक तुम दोनों भाई उससे खेल लेना। अब चले। चलो चलो, मुझे भी बड़ी जोर से भूख लगी है। चलो आओ फिर। लाओ मैं रखवाया तो। लाओ लाओ। वाह बेटा, आ जाओ। दोपहर बीत चुके लेकिन तुम्हारी घर घर नहीं बंद हो रही, थोड़ा सुस्ता लो। क्या बना रहे हो? कुछ नई चीज लगती है। मास साहब का सामान है, ब्लैक बोर्ड। ये क्या हुआ? अरे मास्टर लोग स्कूल में इस पर लिखते हैं, अभी तो इस पे कालिक पोती जाएगी। हम क्या जाने, हमने तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। मैं तो अनाथ था, बचपन में ही हैजे से माँ गुजर गई, दमे से बाप। 5 साल की उम्र में बसूला पकड़ लिया था हाथ में। और लड़की के लिए तो पढ़ना लिखना बेकार माना जाता था। ये तो अच्छा हुआ समय पे अकल आ गई, हम कम से कम बच्चों को तो स्कूल भेज दिया हमने। हाँ वो आ भी रहे होंगे। पापा नहीं है। अरे ब्लैक बोर्ड। लग रहे अभी पूरा नहीं किया, लगेंगे। बप्पा के थोड़ी दाढ़ी भी है, बप्पा कभी कभी दाढ़ी भी तो बनवाते हैं। बप्पा ने इसमें दाढ़ी बनवा रखी है। तुम खाना खाने जाओगे तो दाढ़ी उगा दूंगा। बप्पा कितनी कम दाढ़ी बनवाते, रोज गड़ती है। जब वो मेरी चुम्मी लेते हैं ना, तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम्हारी तो चुम्मी लेते भी नहीं। हमारे अच्छे बप्पा। अरे भाई मुन्ना कहाँ हो बेटा तुम लोग? अरे बप्पा क्या देख रहे हो? मैं भी रामदीन हूँ, बच्चों का बनाया रामदीन। बच्चे तो ऐसा ही बनाएंगे टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन बच्चों को बच्चा ना समझना रामदीन। अब देखो वो पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं, तुम लिख भी नहीं सकते पढ़ भी नहीं सकते। पता है बच्चों ने क्या लिखा है? हमारे अच्छे बप्पा, मेरे अच्छे बच्चे। हाँ रामदीन, अब अगर तुम अपने बच्चों के लिए लिखना चाहोगे मेरे अच्छे बच्चे तो नहीं लिख पाओगे। कैसे लिख पाऊंगा? मेरे बच्चे जब पढ़ लिख कर नौकरी करने दूर जाएंगे तो उन्हें एक चिट्ठी तक नहीं लिख पाऊंगा।
और वो चिट्ठी पढ़ भी नहीं पाओगे जो तुम्हारे बच्चे और उनके बच्चे तुम्हें लिखेंगे। हाँ बच्चों, लिखो मटर, लिखो मटर। वही जो हम रामपाल बाबा के खेत से चुराते हैं? हाँ वही वाली नन्ने, लेकिन चुराना बुरी बात है। ये क्या लिखा है? पेड़। और इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा पेड़ आ। क्यों भैया? साहब, हम भी आपकी कक्षा में बैठ जाएं? इतने बड़े लोगों के लिए थोड़ी ना है ये क्लास। और अगर बड़ों को छोटों से भी कम आता हो तो? तो तब वो बैठ सकते हैं। मास्टर साहब एक बात कहें? कहो, लेकिन एक बात से दूसरी बात मत निकालना। ये बात बप्पा के लिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं पर लागे आती दूर। बप्पा का मजाक उड़ाते हो? बप्पा हैं ही ऐसे मजाक उड़ाने लायक, न पढ़े न लिखे। मतलब अब जल्दी से पढ़ा दो ताकि कोई मजाक ना उड़ा सके। ठीक है। मुन्ना इधर तो आ बेटा, इनको बंधवाइयो। मुन्ना एक बात तो बता, सुबह नन्ने ने ऐसा क्या कह दिया कि सब दांत फाड़ कर हंसने लगे? वो पढ़ते समय? हाँ उसी समय। उस समय तो नन्ने ने कहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना लगे पर लगे अति दूर। वो तो मैंने भी सुना, पर उस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पापा खजूर के पेड़ की तरह हैं, जिसमें फल तो होते हैं मगर बहुत ऊपर में, और किसी को छाया भी नहीं मिलती। ऐसा कहा उस छोकरे ने? नन्ने? अम्मा इधर आ। क्यों रे, तूने सुबह पापा को क्या कहा था? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पेड़ खजूर है ना, बोलने की तमीज नहीं है? बप्पा से कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं? हाँ? क्या पढ़ने जाता है? क्या पढ़ने जाता है कि बप्पा से ऐसे बोलो? हाँ? अब बोलो ना, फिर देखना, तेरे को बताऊंगी मैं। सो गई क्या? क्या बात है? तुमने ये अच्छा नहीं किया। मुझे सोने दो। नन्ने को मारा तुमने? बहुत बिगड़ रहा है वो। तुम भी ना बात का पतंगड़ बनाती हो। बच्चों को पालने का जिम्मा मेरा है, बात को कहते हैं जैसे पेड़ खजूर। रात दिन खट रहे हैं, रंदा वसूला चला रहे हैं, कत्तर ब्योत करके किसी तरह गृहस्थी चल पा रही है, और कल के छोकरे के मुंह में जो आएगा वो बोल देगा। सिर पे बिठाने का यही नतीजा होता है। ठीक कहा, कल का छोकरा ही तो है नन्ने, अभी 8 साल का नहीं हुआ है। और वैसे उसने क्या गलत कहा, उसने तो वही कहा जो कबीरदास बहुत पहले कह गए थे। ये मुन्ना भी इधर की काड़ी से उधर का छप्पर जलाता है। मत बुझाओ, रहने दो, अभी नींद नहीं आ रही है। सोच रहा हूं जो मां साहब ने सिखाया उसे दोहरा लूं।
मुन्ना मां साहब ने? हाँ, मुन्ना मां साहब ने। अच्छे तो हो रामदीन। अरे मां साहब, आप तो 10 दिन में आने वाले थे, अब तो महीनों बीत गए। अब क्या बताऊं, एक दो बारी तो मन हुआ कि आके तुमसे माफी मांगूं कि भाई ब्लैक बोर्ड अभी नहीं ले जा पा रहा। इसमें माफी की क्या बात है मां साहब, मेरे पास बहुत जगह है। चलो ये सुन के राहत मिली, लेकिन अभी कुछ टाइम और लगेगा। लगा लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। दरअसल जिस इमली के पेड़ के नीचे वो कक्षा चलनी थी, उसे रातों रात एक ठेकेदार काट के ले गया। वो बड़ा वाला पेड़, नंबरदार इन वाला? वही तो, मैंने शिकायत कर दी है, पुलिस आई थी, अब मुकदमा कायम होगा उस ठेकेदार पर चोरी का और हरा वाला पेड़ काटने का। बस रामदीन, इन झंझटों में फुर्सत ही नहीं मिली। एक कमरा देखा तो है, लेकिन ना तो उसका दरवाजा ठीक है ना और उसमें जगह है। अब ब्लैक बोर्ड ले जाकर रखेंगे कहाँ? मैंने कहा जितनी देर लगे उतना अच्छा है। क्या मतलब? आपके ब्लैक बोर्ड ने मेरे घर में भी एक कक्षा शुरू कर दी है। मेरा बेटा मुन्ना रोज पढ़ाता है, मुझको और मेरी नैना को। भाई वाह, बस सब खेल खेल में हो गया मास्टर साहब। बच्चे ब्लैक बोर्ड के सामने बैठकर मास्टर मास्टर खेल रहे थे, मैं भी जाकर बैठ गया। 2-3 दिन में मेरी घरवाली भी आकर बैठ गई। अभी 4 दिन नहीं बीते थे कि आस पड़ोस के लोग भी आने लगे। 15 साल का नहीं अभी मेरा मुन्ना, लेकिन उसने मजमा बांध दिया। खुद मैंने 12 तख्तियां बनाई है नए पढ़वइयों के लिए। अब तो एक दिन मुन्ना मासी साहब से मिलने आना ही पड़ेगा। और बताओ काम कैसा चल रहा है? अब जो बाप दादाओं से सीखा है और जो औजार उनसे मिले हैं, उन्हीं पर हाथ सदा है मासाब। लो, अब तुम्हारे मतलब की एक बात याद आ गई। पास के जन शिक्षण संस्थान ने नव साक्षरों के लिए एक कार्यशाला लगा रखी है। वहाँ पर वो नए नए तौर तरीकों से फर्नीचर वगैरह बनाने के तरीके बता रहे हैं। एक ट्रेनिंग कैंप की तरह है, और ट्रेनिंग खत्म होने पर वो एक नए औजारों की किट भी दे रहे हैं। लो मासाब, आप तो काम की बात छिपाए जा रहे थे। छिपा नहीं रहा था भाई, मन में शायद ये बात रही हो कि ऐसे केंद्र में प्रवेश के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना तो आना चाहिए ना। जो मुझे अब आता है मास साहब। लेकिन जो पहले नहीं आता था रामदीन। पहले कैसे आता, गुरु तो अब मिले हैं। अच्छा भैया रामदीन, अब चलते हैं। जी मास साहब। गुरु गोविंद दो खड़े बाजार में बहुत थक गए। हाँ, खरीदारी भी कुछ ज्यादा ही कर ली। कितने दिनों से मुन्ना कहानी की किताब के लिए जिद कर रहा था, आज कितना खुश होगा वो इन किताबों को देखकर। इन किताबों में पैसे भी तो कितने सारे खर्च हो गए। खर्चे की चिंता मत करो, तंगी के दिन में जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करने का अब वक्त आया है। और नैना, हम भी इंसान है, हमें भी अच्छा जीवन बिताने का हक है। हाँ, दिन तो आज का भी अच्छा रहा, तुम्हें बकाया रकम भी मिल गई और नई कुर्सियों के आर्डर भी। हाँ, दिन तो आज का सचमुच बहुत अच्छा है। प्रधान जी ने खुद तारीफ की है मेरी कुर्सियों की। लगता है पंचायत के लिए कुर्सियां और टेबल बनाने का काम भी मुझे ही मिलेगा। अरे वाह, लेकिन वहाँ तो बहुत सारी कुर्सियों की दरकार पड़ेगी, बना पाओगे तुम इतनी सारी कुर्सियां? क्यों नहीं, अब तो काम भी तेजी से होता है, नए औजार जो मिल गए हैं। और ये सब संभव हुआ मां साहब और मुन्ना की वजह से। कभी सुना है बेटे ने बाप की तकदीर बदल दी? कितना अच्छा हुआ ना कि हमने उससे पढ़ना सीखा। हाँ, ये तो हमने बहुत अच्छा किया। वाह,
बाप ने क्या सिखा? पढ़ना। जब से हमने पढ़ना सीखा बहुत अंधेरे में कुछ दिखा, बिना पढ़े मैं ठगा गया, कोई चूना लगा गया, नौका काम किया पर हमको रुपया साथ मिला, उसी समय तो मां साहब का साथ मिला। शिक्षा जीवन की ज्योति है, पढ़कर और कमाई होती है। बच्चे ना ने नुन ना नन्ने मुन्ना साहब, अरे भाई मां साहब कहाँ हो? अरे भाई रामधीन तुम, अरे आज यहाँ कैसे भाई? मां साहब हमेशा आप मुझे आवाज देते थे, आज मैंने आपको पुकार लिया। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आया था। शुक्रिया अदा किस चीज के लिए भाई? मुझे रास्ता दिखाने का मां साहब। देखो भाई रामधीन, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा तो काम ही है लोगों को रास्ता दिखाना। अब इसके बदले मैं लोगों से किसी चीज की अपेक्षा करने लगूं तो मेरा शिक्षक होना व्यर्थ है, इसलिए तुम इसे वापस ले जाओ। नहीं मां साहब, ये मैं आपको आपके एहसान के बदले में नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको अपनी खुशियों में शामिल करना चाहता हूँ। दोहरी खुशियाँ। दोहरी खुशी? हाँ मां साहब, एक तो मुन्ना का जन्मदिन है, दूसरा मुझे आज पंचायत के लिए कुर्सी मेज बनाने का काम मिला है, 20 मेज और 100 कुर्सियाँ बनानी है। भाई वाह रामदीन, मजा आ गया। लेकिन फिर तो तुमसे एक शिकायत है रामदीन। वो क्या मां साहब? खुशियाँ तो दो और मिठाई का डब्बा सिर्फ एक। ये बल्ला हमारे पप्पा ने बनाया है, देख देख मैं देखना कितना चिकना है। ऐसा बल्ला तो सचिन के पास भी नहीं होगा। ये मेरे लिए है, छक्का मारूं मैं इससे। ये तो बेटा किसी और के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा मैं। मुझे तो ये कुर्सी चाहिए, कितनी अच्छी है ना। हाथ तो वही है। हाँ बेटा हाथ तो वही है, लेकिन औजार बदल गए। तुमने पढ़ाया और मां साहब ने बताया तो ट्रेनिंग कैंप में जाना सहल हो गया। अब तो हाथ भर भर चलता है। कैंप से नए औजार मिले और काम करने की नई अकल, सब बदल गया। और मैं तो कहता हूँ, पढ़ा लिखा हो यदि परिवार, समझो भाई बेड़ा पार। कम छाया और कम फलों वाला खजूर का पेड़ अब फलों और घनी छाया वाला आम का पेड़ बन चुका है, क्यों नन्ने? कहो भाई रामधीन कैसे हो? आइए आइए मां साहब बैठिए। आज तो ब्लैक बोर्ड ही लेने आए होंगे ना? हाँ भाई, आज तो उसी के लिए आया हूँ। दरअसल साक्षरता केंद्र की जगह तैयार है। आपके ब्लैक बोर्ड भी तैयार हैं? दोनों ब्लैक बोर्ड तैयार हैं। हाँ दोनों, एक तो ये रहा, दूसरे पर मुन्ना मां साहब की क्लास चल रही है। कितने पैसे हुए दोनों के? 300। 300? रामदीन भैया 50 रुपए तो पहले दिए थे, ये बाकी के आपके 250 रुपए। ठीक है, मैं दूसरा ब्लैक बोर्ड लेके आता हूँ।
से गांव तो होता ही है, गांव से गधा भी होता है। मुन्ना बेटा, मां साहब आए हैं ब्लैक बोर्ड ले जाने। ब्लैक बोर्ड ले जाने? ब्लैक बोर्ड चलेगा तो ये लोग पढ़ेंगे कैसे? इसे मत ले जाओ, इसने तो मेरी जिंदगी में उजाला भर दिया। देखो भाई, ये तो मानते हो ना कि हम सब की कमाई इसी पढ़ने लिखने से बड़ी है, तो क्यों ना ये ब्लैक बोर्ड हम सब मिलकर मास्टर साहब से खरीद लें। अगर ये ब्लैक बोर्ड नहीं रहेगा तो हम सब पढ़ेंगे कैसे? मैं भी यही सोच रहा था कि ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे। ये ब्लैक बोर्ड मुन्ना मास्टर साहब का है और इन सब लोगों का है जो पढ़ना लिखना चाहते हैं। लेकिन ये ब्लैक बोर्ड तो आपका है, आपके साक्षरता केंद्र के लिए। जो काम मुझे करना है मुन्ना, उसी में तो मेरा हाथ बटा रहा है। क्यों मुन्ना, आज से ये ब्लैक बोर्ड मेरी तरफ से इन गांव वालों के लिए एक तोहफा। सतगुरु